वर्तमान समय में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा अल्प समय के लिए बाधित होने से आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यह सांकेतिक हड़ताल इसलिए भी है क्योंकि 108 तथा 102 एम्बुलेंस चालकों की मांगे सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही, या फिर यूं कहें कि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही, इसलिए वह अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि 108 और 102 एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर ना चले जाएं, इसके लिए रात 1 बजे तक 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा के जिला कोऑर्डिनेटर देवेंद्र शर्मा व दीपेंद्र सिंह चालकों को समझाने में लगे रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान 108 एम्बुलेंस सेवा के चालक अतुल कुमार सहित हेड टेक्नीशियन विकल कुमार ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगे हैं कि चालकों की वेतन वृद्धि की जाए। इसके अलावा कंपनी द्वारा जो पायलट प्रोजेक्ट योजना लागू की गई है उसे तत्काल वापस लिया जाए, इसके साथ साथ उनकी वेतन समय पर उन्हें दी जाए। उन्होंने यह बताया कि चालकों की ड्यूटी 8 घंटे की जाए, अभी तक वर्तमान समय में उनकी ड्यूटी 12 घंटे की चल रही है। इन मांगों को लेकर चालक 23 सितंबर को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे थे। अतुल ने यह भी बताया कि वह लोग जनहित को देखते हुए 108 एम्बुलेंस सेवाएं सुचारू रूप से चालू रखेंगे, लेकिन उनका प्रदर्शन काली पट्टी बांधकर जारी रहेगा। इधर जिला कोऑर्डिनेटर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने चालकों की समस्या को सुना है और उन्होंने उनकी समस्याओं को कंपनी के अधिकारियों तक भेज दिया। इस मामले में सीएमओ डॉक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी इमरजेंसी सेवाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की थी। सभी जगहों पर पुलिस तैनात की भी गई थी एवं स्वास्थ्य विभाग इस बात के लिए भी तैयार था कि यदि हड़ताल होती है तो वह अपनी सेवाएं बाधित नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकल है और आज जो 108 की हड़ताल हुई किस संदर्भ में हुई, क्या मांगे आपकी पूरी? वो हम चाहते हैं पायलट प्रोजेक्ट हट जाना चाहिए और जो सैलरी है समय पे आनी चाहिए, टाइम से नहीं आती है, दिक्कत होती है, और सैलरी में भी वृद्धि होना चाहिए, काफ़ी सालों से वृद्धि भी नहीं हुई है, तो बस यही चाहते हैं। कितनी मतलब अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या आगे की प्रोसेस रहेगा? आगे की प्रोसेस ये है कि इस तरीके से हम लोग विरोध करते रहेंगे और हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, चक्का जाम भी कर सकते हैं। हम लोग 108 102 एम्बुलेंस और ALS एम्बुलेंस CSC तालबेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हैं और हम लोगों ने शांतिपूर्वक जैसा कि पूरे प्रदेश में आज 23/9/2019 को हड़ताल है तो शांतिपूर्वक विरोध जताया है। कंपनी अनर्गल काम हम लोगों से ले रही है, जैसे 12 घंटा की वो 8 घंटे की हम लोगों को सैलरी देती है और 12 घंटे वर्क कराती है 24 घंटे, तो 4 घंटे का जो ओवर टाइम होता है उसका सैलरी हम लोगों को मिलना चाहिए और सैलरी टाइम से नहीं आती है, सैलरी भी टाइम से आना चाहिए, 1 से 7 तारीख के 1 हफ्ता के अंदर आना चाहिए सैलरी। और जो पायलट प्रोजेक्ट में कंपनी ने 60 रुपये प्रति केस पायलट और MT रखे हैं उसको हटाना चाहिए और पायलट प्रोजेक्ट को हटा के और वेतन पे सैलरी बेस पे रखना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। सैलरी हर वर्ष 10% और सैलरी जो वृद्धि है हर साल 10% उसको भी वृद्धि की जानी चाहिए। अभी तक कंपनी झूठा आश्वासन दे रही है, अभी तक दिया नहीं है। कंपनी हम लोगों का शोषण करती है और केसों का दबाव भी डालती है, तो ये फर्जी जो केस है उन पे भी अंकुश लगना चाहिए। ये हम लोगों की सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेहट के 102 108 व ALS कर्मचारियों की मांगे हैं, शांतिपूर्वक हम लोगों ने इसका विरोध जताया है। विकल्प के पास लगा दो, हम लोगों की मांगे यही हैं कि भाई वेतन थोड़ा वृद्धि होना चाहिए पर ईयर, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से हम लोगों की मांगे भी होना चाहिए। भाई महंगाई हमेशा बढ़ रही है और प्रकृति का नियम भी है, महंगाई हमेशा बढ़ती ही रहती है, तो उस हिसाब से थोड़ा तनख्वाह भी बढ़ती रहती है, तो हम लोगों के दैनिक कार्य समय से चलते रहते हैं।